दोस्त, मैं हूं आदर्श विजयबिंद, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफ इटावा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं वीडियो में बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं लास्ट काउंसलिंग जो होने वाली है उसमें किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं। आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको कौन से अगर आप कैटेगरी वाइज सीटों का भी बताएंगे और कैसे आपका काउंसलिंग होने वाला है। और ये काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, फीस कब पे होगा, कहाँ पे काउंसलिंग होगी, सब जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो परेशान मत हो, ये आपको दिखाऊंगा, जो कि ईमेल आया हुआ है सीपीपी नेट के थ्रू ईमेल आया हुआ है, वो मैं आपको ईमेल दिखाऊंगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो कन्फ्यूज मत होइए जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, क्योंकि उसमें ईमेल में सारी बातें नहीं लिखा हुआ है, जो कि होना होता है वो मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं, डॉक्यूमेंट कब कैसे जमा कर, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि सबका एक ही दिन आपका होने वाला है। वो कौन सी डेट है वो भी आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में भी, और उनको भी बोल देना वो भी देख लें वीडियो को, इन्फॉर्मेशन मिल जाए उनको, ताकि कोई भी दिक्कत किसी को ना हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ईमेल आया हुआ है, ईमेल ही आपको मैं दिखा देता हूँ, ईमेल में क्या लिखा है वन स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। तो चलो देख लीजिए, आपके पास अगर ऐसा ईमेल आया हुआ तो आप जरूर काउंसलिंग कराइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कांग्रेचुलेशन, यू आर शॉर्टलिस्ट फॉर पुल डाउन ऑफ काउंसलिंग 29 मार्च 2022, यानी कि 29 मार्च को होने वाला है जो शॉर्टलिस्ट ऑफ पुल डाउन काउंसलिंग होने वाला है। अब मैं आपको शेयर करने वाला हूँ आपसे कि जो किस किस डिपार्टमेंट कितनी सीटें हैं, कौन सी कैटेगरी की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट रिमेनिंग वैकेंट सीट अवेलेबल इन सीपीपी नेट 2021 एज मेंशन बिलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी रेडियोलॉजी, यानी कि बीआरआईटी की सीट, ईडब्ल्यूएस में एक सीट खाली है, ठीक है। बीआरआईटी की जो ईडब्ल्यूएस है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो एक सीट आपके पास है, ठीक है। आप यहाँ आपके ऑफलाइन आकर काउंसलिंग करा सकते हैं, आपकी रैंक अच्छी है तो आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेरिट और प्रेफरेंस के अनुसार होगा कि नहीं होगा, साथ इसके आगे बताएंगे। पहले आप वैकेंट सीट देख लीजिए कौन कौन सी है, ठीक है। सेकंड, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, देखिए अनरिजर्व में एक सीट है, एससी में दो सीटें हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन DETCT, जनरल में एक सीटें हैं, OBC में एक सीटें हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, ये देखो बैचलर की बात होगी, BRIT ऑप्टोमेट्री, ये दोनों बैचलर को होगी। उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन जनरल में एक है, SC में एक है, EWS में, यानी कि जनरल और EWS में एक एक सीटें हैं, SC में एक सीटें हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, यानी DPT में अनरिजर्व में दो सीटें हैं, OBC में एक सीट है, SC में दो सीट है, यानी कि DPT की टोटल 5 सीट है, जिनमें से अनरिजर्व सीट जनरल की दो सीटें हैं, OBC की एक सीट अभी भी है, SC कैटेगरी की दो सीटें हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन DDT, ठीक है, OBC की एक सीट है, EWS की एक सीट है, और SC की एक सीट है, यानी कि अभी डायलिसिस टेक्नीशियन अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो OBC कैटेगरी से हैं, तो एक सीट अभी आपके लिए है। डिप्लोमा इन सिटी स्कैन टेक्नीशियन, ठीक है, अनरिजर्व की केवल दो ही सीट बाकी है सिटी स्कैन टेक्नीशियन की, ये OBC वाले भी जो इसको अलॉट करा सकते हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको OBC स्टूडेंट को भी चांसेस जनरल के मिलते हैं सीट उठाने के, बस आपको कास्ट सर्टिफिकेट का यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन DCT, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन OBC की एक सीट अभी भी है, OBC के स्टूडेंट के लिए भी फायदेमंद है कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए। डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन DMRI, जो अनरिजर्व सीट, एक रिजर्व सीट है, ये OBC के भी स्टूडेंट इसको अलर्ट करवा सकते हैं अगर आपकी रैंक अच्छी है। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन DBT, OBC की एक सीटें, मतलब कि बैचलर में केवल दो ही, यानी BRIT और अभी आप तो की सीटें हैं, बाकी जितने भी सीटें हैं डिप्लोमा की आप दे सकते हैं इस साइड। एक तरफ आपको सिंपली दिया गया OBC, SC, EWS, ये सब लिखा हुआ है, तो ये जो सीटें हैं वैकेंट, ये आपको 29 मार्च को अलाट होने वाले हैं, यानी कि 29 मार्च को अलाट होंगे। अब हम आपको बताएंगे ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी या ऑफलाइन होगा, आपको कॉलेज आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, आपको अगर आप कॉलेज आते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा, वो सब सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए नीचे ईमेल में जो आया हुआ है,
यू आर द शॉर्ट लिस्ट एज पर योर मेरिट एंड प्रेफरेंस सीपीपी नेट 2021 एडमिशन टेस्ट फॉर लास्ट राउंड काउंसलिंग। देखिए आपके मेरिट और प्रेफरेंस के अनुसार लास्ट राउंड काउंसलिंग होने वाली है। ये जो यहाँ पर काइंडली नोट दैट इन्विटेशन नॉट ए सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ईमेल सेंड किया गया है। ठीक है, देखो एक बात ये समझ लीजिए, जो भी एडमिशन जो बच्चे एडमिशन अब तक करा चुके हैं वो मापा ग्राउंड में भाग नहीं लेंगे। जिन बच्चों को अभी भी सीट नहीं मिली है या उनको काउंसलिंग कराए हुए तो एडमिशन नहीं लिए, केवल उन्हीं को सीट अलॉट होगा मापा ग्राउंड में, बाकी बच्चों के लिए सीट अलॉट नहीं होगा। तो आप लोगों को परेशान मत होइए, आपको कितने रैंक तक आना हम बता दे रहे हैं आपको इसमें, बहुत कितने रैंक तक आप आइएगा, कितने रैंक तक काउंसलिंग यहाँ सीटें मिल सकती है, चांसेस हैं, वो सब मैं जानकारी आपको दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके अलावा जो आपको मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकंड मैं बता दूं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बी कंसीडर द एवम मेंशन वैकेंट सीट, अगर ऊपर जो भी वैकेंट सीट थी उसमें से कोई भी आपको चाहिए सीट, आपने प्रेफरेंस फिल किया है उनमें से, या आपकी मेरिट और प्रेफरेंस दोनों आपके अच्छे हैं, यानी प्रेफरेंस फिल किया है और आपकी मेरिट भी अच्छी है, तो आप से रिक्वेस्ट फाइनल राउंड काउंसलिंग जो 2021 काउंसलिंग भी हेल्प पैरामेडिकल उत्तर प्रदेश, यानी कि जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है वो ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है, यानी कि जो भी सीटें रहेंगी आपके सामने दिखेगा, शो करेगा, आपको बताया भी जाएगा, जो भी इच्छा होगा आपका प्रेफरेंस है तो वो सीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीच द वेन्यू 10 बजे, यानी कि 10 बजे तक आपको यहाँ कॉलेज कैंपस में पहुंच जाना है पैरामेडिकल के। यू आर द रिक्वेस्टेड टू बी रेडी फॉर डिपॉजिट। देखिए अगर आपको सीट मिल जाती है, अब ये समझ लीजिए, ये सब सब समझाने की जरूरत नहीं, आपको इससे बता दे रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए आप मापा ग्राउंड में आए, काउंसलिंग ऑफलाइन है, ऑफलाइन काउंसलिंग होने के बाद अगर आपको सीट मिल गई, सीट मिलने के तुरंत ही, जैसे सीट आपको मिलेगा तुरंत ही आपके पास डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तुरंत डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, फीस, यानी अगर तुरंत आप फीस डिपॉजिट नहीं करते हैं, तुरंत आप फीस पे नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। आपके पास टाइम रहेगा आधा एक घंटे का, उसी के अंदर आपको फीस पे करना है। अब आपको फीस कितनी लानी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको डिग्री कोर्सेज मिलता है तो 29,500 रुपये आपको तुरंत पे करने के पड़ेंगे, जैसे ही आपको सीट मिला इमिडिएटली आपको फीस पे करने पड़ेंगे। बट अगर आपको डिप्लोमा मिलता है तो 25,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, डिग्री के लिए 29,500 रुपये, डिप्लोमा के लिए 25,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, वो भी इमिडिएटली, और आपके उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट तुरंत जमा करना पड़ेगा, यानी सब कुछ आपको ले आना है, डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा तुरंत। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको आपके आपको टाइम है, आपका सीट जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। इस वजह से आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ कंप्लीट रखें और लेके आए, ठीक है, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं हाई स्कूल इंटर मार्कशीट, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और जो निवास सर्टिफिकेट होता है, और भी जो सर्टिफिकेट है, कास्ट हो गया और आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट सही होने चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब, ये सर्टिफिकेट भी आपका सही होना चाहिए। तो जो मेन मेन जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके टीसी आपके साथ में होना चाहिए, अगर मेन ये सब आपके साथ होना ही चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ रीज़न बता, लेकिन हाई स्कूल इंटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बाकी में रहेगा तो आपका अप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल इंटर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, अगर सीट मिली है तो वो भी कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दिया है, पहला जो है जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपको तुरंत फीस पे करना पड़ेगा अगर आपको कोर्स मिलता है, डिप्लोमा के लिए 25,000, डिग्री के लिए 29,500। सेकेंड थर्ड बात हो गई कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो तुरंत ही होगा, उसी दिन 29 मार्च को ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है, ये बात रही, तुरंत आपको सीट मिलेगी, तुरंत आपको फीस जमा करना पड़ेगा। अब ये फीस कई तरीके से आप जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वहाँ वहीं वहीं पर करना पड़ेगा, आप जहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा वहीं तुरंत फीस पे करना पड़ेगा। आप कैश भी दे सकते हैं या आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर, जैसा भी आपके पास सुविधा होगी वो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये फीस की बात होगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फीस में भी डिपॉजिट थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कैश, ये इनके अनुसार, ये सब के अनुसार आप फीस पे कर सकते हैं। तो आपके लिए डॉक्यूमेंट देखिए, दो सेट ऑफ फोटो कापी,
दो सेट फोटोकॉपी, तीन पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटोग्राफ, ये आपको जरूर लाना हो। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, तुम्हारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसा रहेगा। कोई इन्फॉर्मेशन छूटता है तो हमें जरूर कमेंट करिए, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, इसमें जितने भी सीटें हैं यही लास्ट सीटें बची हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो में थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में भी। हमारा कोई भी दिक्कत है तो हमें आ रहा है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे हमें DM कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपका आंसर मैं